प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो आप सभी को। जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं लेकर आई हूँ आपके सामने एक नई मिशनरी के बारे में। आज की मिशनरी में हम चर्चा करेंगे विलियम गॉडी के मिशनरी जीवन के बारे में। जन्म 6 मई 1857, मृत्यु 9 अप्रैल 1922, मूल स्थान चेन्नेरेविक स्कॉटलैंड, दर्शन भारत। आइए हम इनकी सेवा कार्य के बारे में विस्तृत में ध्यान देते हैं। मसीह माता पिता से जन्मे विलियम गॉडी अपने बचपन के दिनों से ही पवित्र बाइबल को पढ़ना पसंद करते थे। डीएल मूडी और सैकी जैसे महान प्रचारकों के आत्मसरगर्मी उपदेश ने युवा गॉडी पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला और जल्द ही उन्होंने दुनिया के दूर दराज के कोनों में परमेश्वर का प्रेम के संदेश को ले जाने का फैसला किया। एक शाम एक पुनरुद्धार सभा में गॉडी ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। फिर परमेश्वर की बुलाहट के प्रति आज्ञाकारिता दिखाकर वह 1879 में रिचमंड बाइबल कॉलेज में शामिल हो गए। लंदन में अध्ययन के बाद उन्हें भारत में मिशनरी सेवा के लिए आह्वान मिला, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। 1882 में गॉडी चेन्नई पहुँचे और जॉर्ज टाउन में अपनी सेविकाएँ शुरू की। उन्होंने तमिल भाषा सीखी और स्थानीय लोगों को उनकी भाषा में सेवा करना शुरू कर दिया। 1883 में वह तिरुवल्लूर नामक एक शहर में चले गए और कई मायनों में दलितों के बीच सेवा की। गरीबों और अछूतों के प्रति उनकी दया मसीह के प्रेम और सेविकाई को दर्शाती थी। वह न केवल उनके आध्यात्मिक कल्याण के बारे में बल्कि उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण के बारे में भी चिंतित थे। जब उन्होंने अछूतों और निचली जातियों के उत्थान के लिए काम किया तो उच्च जातियों ने उनके खिलाफ रैली की और उन पर पत्थर फेंके। हालांकि गॉडी ने मसीह तरीके से उन लोगों को आशीष देते हुए जवाब दिया, तुमने मुझ पर पत्थर बरसाए हैं लेकिन परमेश्वर तुम्हारे ऊपर चावल बरसाएगा। 1889 और 1891 के बीच महान अकाल और घातक हैजा की महामारी के दौरान गॉडी ने गरीबों के लिए प्रयास किया और वे सब किया जो वह उन्हें खिलाने के लिए कर सकते थे। उन्होंने गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए इक्कादू, तिरुवल्लूर और उसके आसपास स्कूलों, अस्पतालों, एक सिलाई संस्थान और एक फीता उद्योग की स्थापना की। भारत में 25 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद गॉडी इंग्लैंड लौट आए, जहां उनके 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इक्कादू के एक सत्यनिष्ठ प्रेरित के रूप में प्रशस्त गॉडी अपने जीवन भर मसीह के वफादार शिष्य बने रहे। प्रिय, आप अपने दुश्मनों और गरीबों के प्रति कितने दयालु हैं? प्रभु, मेरे जीवन को अपने प्रेम से भर दो ताकि वह दूसरों को और भी उमड़े। आमीन। पिता प्रभु यीशु आप सभी को आशीषित करें।